नमस्कार दोस्तों, सीजी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक जो हमारे घर में बहुत ही काम आने वाली है, हमारे घर के ढेर सारे पैसे बचाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने लिया है एक तरीके का तेल का डिब्बा है। ये इस तरीके के डिब्बे हमारे घर में होते हैं, हम इसे कबाड़ में या फिर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज हम इसी का यूज़ करके किचन के लिए बहुत ही बढ़िया सा चीज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डिब्बा लिया है एक, और इसको मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाकू गरम करने के लिए गैस पे रख दी हूँ। चाकू को हम गरम कर लेंगे, आप चाहे तो कटर से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे चाकू हमारा गरम हो गया है, आप चलिए इसे काट लेते हैं। तो इसे थोड़ा सावधानी से काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे काट लेते हैं, आप चाहे तो इसमें निशान लगा के काट सकते हैं। तो मैं ऐसे ही ऐसे अंदाज में ही काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह कटने के बाद इस कुछ इस तरीके का हो गया है। इसे तो डिब्बे का बहुत सारे चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, गमले वगैरह बनाते हैं। तो आज हम इसे किचन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डिब्बे को फिर से इस तरीके से पलट लिए, चाकू फिर से हमने गरम कर लिए हैं। तो गरम करने के बाद इसके डिब्बे के नीचे में इस तरीके से हम फिर से इसे इस तरीके से छेद कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें छेद कर देंगे, 5-6 छेद इसमें कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इधर ऊपर के साइड में भी हमें यहाँ पे और ये इस वाले साइड में भी हमें 2 छेद इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे वाले में भी और ऊपर में भी 2 छेद कर लिए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने एक रस्सी लिया है, एक मज़बूत सा रस्सी ले लेना है। और आप चाहे तो इसमें कलर वगैरह करना चाहते हो तो कलर वगैरह भी इसमें फूल वगैरह थोड़ा बना सकते हैं, अलग अच्छा सा लुक देने के लिए। तो आप इसमें बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इस रस्सी से अच्छे से हमें टाइट बांध देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसे लगा कर हमें बांध देंगे रस्सी को। तो देखिए हमें दोनों साइड हम इसी रस्सी को बांध दिए हैं। तो चलिए फिर हम इसे यूज़ कैसे करना है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें पहले से ही इस तरीके के डिब्बा बनाकर मैंने पहले से ही टंग के रखा है। और देखिए इस तरीके से किचन सिंक में जब हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, जब हमारा किचन छोटा रहता है फ्रेंड, तो पानी इधर उधर बहुत ही फैल जाता है। तो हमें क्या करना है, इसे जस्ट ही किचन सिंक है उसके ऊपर ही हमें टंगा देंगे, जिससे कि जब भी हम बर्तन छोटे बड़े बर्तन इसमें रखेंगे ना, तो जो भी पानी झड़ेगा वो इस किचन सिंक में ही आएगा, जिससे कि हमारा किचन में पानी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और हमारा बर्तन के पानी भी आसानी से झड़ जाएगा। इस तरीके से अब इस बर्तन को जब पानी झड़ जाएगा तो आप इसे अपने रेक में रख सकते हैं। देखिए इसे छोटे बड़े बर्तन आप आराम से इसमें रख सकते हैं, पानी झड़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।